आज हम आपको मैंगो में दूध भर के कुल्फी बनाकर दिखाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद होती है। बाजार से भी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है ये मिनटों में। देखिए हमारी रेसिपी किस तरह से बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आम की कुल्फी बनाकर दिखाएंगे। ये हमने 4 आम ले लिए हैं, देखिए हमने इन्हें धो के साफ कर लिया है और इस तरह से हम इनकी खोपली उतार लेंगे। देखिए इस तरह से हम टोकली उतार लेंगे इनकी, फिर हम इसकी गुठली निकालेंगे। ऊपर से हमने इस तरह से कट कर लिया है, इसकी हम साइड से गुठली में कट लगाएंगे, जिससे हमारी गुठली आराम से निकल जाएगी। देखिए इस तरह से हम गुठली को ढीला करेंगे चक्कू की सहायता से। ये अच्छे से हमने चक्कू से ढीला कर लिया है, अब इसकी सहायता से हम हाथ से इस तरह से निकाल देंगे गुठली से। देखिए हमारी गुठली निकल गई है, देखिए आम खाली हो गए हैं। इस तरह से हम दूसरा आम भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको भी ढीला कर लिया है, इस तरह से हम इसकी गुठली भी निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने गुठली निकाल ली है, देखिए इसका गुदा हम गुठली का इसमें डाल देंगे चम्मच की सहायता से। देखिए इस तरह से हमने आम काट लिए हैं और देखिए इस तरह से खोखले हो गए हैं हमारे आम। हमने 4 आमों को काट लिया है। हमने देखिए दूध ले लिया है, ये 1/2 किलो दूध है हमारा। देखिए हम गैस पर पकाएंगे, ये हमने एक कढ़ाई रख दी है और इसमें दूध डाल देंगे। दूध को इतना पकाएंगे कि दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। ये 1 चम्मच हमारी मलाई है, ये आज हमारी ताजी मलाई है, ये हम दूध में मिला देंगे। देखिए दूध हमारा गर्म है, देखिए दूध में घुल जाएगी हमारी मलाई। देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ रहा है, देखिए कितना गाढ़ा दूध हो गया, मलाई भी हमारी घुल गई है। अब इसमें हम 1/2 कटोरी नारियल का बरूदा डालेंगे, इससे कुल्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूध गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे हम, 5 मिनट कम से कम पकाने में लगेंगे हमारे दूध को। हम चीनी डालेंगे, हम दूध के अनुसार चीनी डाल देंगे। वैसे तो हमारे आम बहुत मीठे हैं, देखिए हम दूध हमारा फीका है ना, इसलिए हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें। हमने छोटी 1/2 कटोरी चीनी ली है। देखिए हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, देखिए बिल्कुल रबड़ी की तरह से हो गया है, देख सकते हैं चारों तरफ से। देखो कितनी मलाई आ रही है। इसमें हम थोड़े से इलायची पाउडर डालेंगे अच्छे टेस्ट के लिए, देखिए 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे हमारी कुल्फी बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। देखिए हम गैस बंद कर देंगे, अब हम मलाई इसको ठंडा करेंगे। देखिए हमने गैस बंद कर दी है, अब अपने दूध को हम ठंडा करेंगे और फिर हम आम में भर के दिखाएंगे आपको। देखिए हमारे आम तैयार हैं और इनमें हम पल्प भरेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए बिल्कुल गाढ़ा रबड़ी की तरह तैयार हो गया है। देखिए इसे हम फुल भर देंगे, हमारी गाढ़ी कुल्फी तैयार हो जाएगी। हमने गाढ़ा वाला दूध भर दिया है इसमें और इस तरह से ढक्कन लगा देंगे और हम फ्रीजर में रखेंगे। अब दूसरा भी इस तरह से भरेंगे, इस तरह से हम दूसरा भी भरेंगे। ये कुल्फी बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, बहुत जल्दी बन जाती है ये। देखिए आम भर दिया है हमने पूरा, इसको हम ढक्कन लगा देंगे इस तरह से। हमारे 4 आम भर गए हैं, देखिए इस तरह से हमने भर दिए हैं। देखिए इस तरह से हम 4 आम तैयार हो गए हैं हमारे, और इसे फ्रीजर में रखेंगे 6 से 8 घंटे के लिए। फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारी कैसी कुल्फी तैयार हो गई है। देखिए हमारी मैंगो कुल्फी बनके तैयार है, देखिए 8 घंटे हो गए हैं हमारे कुल्फी को जमे हुए। देखिए कितनी बढ़िया जमी है, देखिए बिल्कुल टाइट है, देखिए कितनी बढ़िया जमी है। और हम इसे छीलेंगे और इस तरह से निकालेंगे इसमें से। एक एक गिलास में से हम निकालेंगे, देखिए इस तरह से। अब इनको हम छीलेंगे, देखिए सिप्पी की सहायता से हम आम को इस तरह से छीलेंगे, इसका पतला पतला छिलका उतार लेंगे। देखिए
देखिए कितना बढ़िया आइसक्रीम निकल रही है हमारी। तरह से हमने मैंगो कुल्फी को छील लिया है, उसको हम कट करके दिखाएंगे आपको। देखिए इस तरह से काटेंगे, इस तरह से हम अपनी कुल्फी के सभी पीस काट लेंगे। देखिए बहुत टाइट जमी हुई है, देख सकते हैं कितने बड़े पीस निकल रहे हैं। इसी तरह से हम सारे पीस निकाल लेंगे। देखिए वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए हमारे इतने घंटों में कितनी अच्छी आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से हमने सभी पीसों को काट लिया है, ये हमने आज सजा दी है। देखिए हमारी मैंगो कुल्फी कितनी टेस्टी बनके तैयार हो गई है। आजकल ये बहुत चल रही है, इसका ट्रेंड है कि इस तरह से आम में भर के हम दूध को जमाने का। देखिए कितनी टेस्टी लगती है, इसका अलग ही टेस्ट लगता है खाने में। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इस तरह से ट्राई करिएगा और बच्चों को खिलाइएगा बना के। सबको बच्चे बड़े शौक से खाते हैं आइसक्रीम को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। हमारी वीडियो शेयर लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।